हाय एवरीवन, आज हम करेंगे कवर बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हरियाणा स्टेट। और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस है जो मैं नोट करके लेकर आया हूँ। कई बार प्रीलिम्स में इनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज हम एक छोटा सा टॉपिक है, ये कवर कर लेते हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन, सबसे पहले हमने कवर करना है स्टेट सिंबल्स। इसमें सबसे पहले आएगा स्टेट ट्री। हरियाणा स्टेट का स्टेट ट्री क्या है? वो है पीपल। पीपल हैज बीन डिक्लेयर्ड स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा। पीपल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा। इट इज ऑल्सो नोन एज बोधी ट्री। और पीपला ट्री या फिर एंड अश्वता ट्री। साइंटिफिक नेम क्या है? ऑफ पीपल ट्री का फिकस स्पाइकस रैली जोसा। सो ये स्टेट ट्री है। पीपल हैज बीन डिक्लेयर्ड स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा एंड इट इज ऑल्सो टू बी नोन एज द बोधी ट्री। पीपला ट्री और अश्वता ट्री एंड साइंटिफिक नेम इज फाइकस रिलिजिस्यूआ। सेकेंड स्टेट फ्लावर। स्टेट फ्लावर क्या है? लोटस। लोटस इज एन एक्वेटिक प्लांट विथ ब्रॉड फ्लोटिंग ग्रीन लीव्स एंड ब्राइट प्रेग्नेंट फ्लावर्स दैट ग्रो इन शैलो वाटर।
ट्री है हरियाणा स्टेट का पीपल, एंड स्टेट फ्लावर है लोटस। देन थर्ड अब स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल, स्टेट एनिमल क्या है? ब्लैक बक, ब्लैक बक। Also known as antelope, antelope. That has ringed horns at have a moderate spiral twist of 3 to 4 turns. State animal, black buck, also known as antelope. हरियाणा स्टेट का तीन चीजें कवर हो गई है, स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर, स्टेट एनिमल, अब है स्टेट बर्ड, स्टेट बर्ड। स्टेट बर्ड क्यों, क्या नाम है? ब्लैक फ्रैंकलिन। ऑल्सो नोन एज ब्लैक रिच। ये इजी होगा आपके लिए याद करना, स्टेट एनिमल ब्लैक बक एंड स्टेट बर्ड ब्लैक फ्रैंकलिन, दोनों ब्लैक से स्टार्ट हो गया है, ब्लैक बक एंड ब्लैक फ्रैंकलिन। अब इट इज ऑल्सो कॉल्ड काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकलिन को हम काला तीतर भी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट, अब है स्टेट स्पोर्ट, बहुत फेमस है और ऑलमोस्ट ये सभी को पता है कि हरियाणा इज बेसिकली फेमस फॉर रेसलिंग, सो फेमस्ट स्टेट स्पोर्ट है रेसलिंग, दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट स्पोर्ट बाय द हरियाणा
गवर्नमेंट। सो इट इज अ काइंड ऑफ अ वॉर, ऑफ अ ड्यूल वॉर, विच इज फॉट ओनली बाय अ फिजिकल फोर्स और इन पुराणास। इसे कहते थे रेसलिंग को मल क्रीड़ा, मल क्रीड़ा। सो ये हो गया हमारे स्टेट के सिंबल्स में, स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर, स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड एंड स्टेट स्पोर्ट। Wrestling has been declared as a state sport by the Haryana government. हमारे पुराणास में भी इस स्पोर्ट को मल क्रीड़ा कहते थे, आप ये नोट कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हरियाणा का कवर करते हैं, उसमें मेन मेन पॉइंट्स है वो कवर करते हैं। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, ऑफ हरियाणा स्टेट। इसमें हमने लिखना है हरियाणा स्टेट कब एस्टेब्लिश हुई थी। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एंड देन कैपिटल, देन नेक्स्ट इज डिवीजन, देन इज डिस्ट्रिक्ट। हरियाणा स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, एंड देन इज लोकसभा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है, फिर उसके बाद आते हैं राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फिर उसके बाद आ जाता है विधानसभा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो अब ये लिखना है एस्टेब्लिश कब था। हरियाणा स्टेट ऑन 1st November 1966, कैपिटल चंडीगढ़,
और चंडीगढ़ क्या है? यूनियन टेरिटरी। सो पंजाब और हरियाणा का सेम कैपिटल है चंडीगढ़। देन डिवीजन्स, कितनी डिवीजन्स है हरियाणा स्टेट में? टोटल सिक्स। और वो डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? डिस्ट्रिक्ट्स हो गए 22। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है? वो है 10। राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी है? राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज 5। विधानसभा में कितनी सीट्स है कॉन्स्टिट्यूएंसीज? 90+1। ओके, एंड देन द लास्ट इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़। सो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा। हरियाणा स्टेट कब बना था? पंजाब प्रोविंस से निकलकर हरियाणा स्टेट बना है 1 नवंबर 1966। कैपिटल सेम पंजाब और हरियाणा का सेम कैपिटल है चंडीगढ़। यूनियन टेरिटरी। डिवीजन्स टोटल सिक्स। डिस्ट्रिक्ट 22। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट सिरसा एंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज 10। राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज 5। विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज 90+1। और हाई कोर्ट सेम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ जिस्टिक्शन। अब हम नेक्स्ट कवर करते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है। हाईएस्ट पीक ऑफ हरियाणा नेक्स्ट। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ हरियाणा नेक्स्ट। डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विद लार्जेस्ट एरिया देन फोर्थ इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विद मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया देन नेक्स्ट इज मोस्ट पॉपुलेटेड
डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। देन नेक्स्ट, लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। देन इज सेम, लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड देन इज मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। ये कवर करते हैं हाईएस्ट पीक एंड देन इज हाईएस्ट पीक ऑफ हरियाणा। हाईएस्ट पीक कौन सा है हरियाणा का? वो आता है रोहतांग पीक जो है 1514 मीटर, हाईएस्ट पीक, रोह पीक। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है हरियाणा में? वो है घाघर। कितनी लेंथ है उसकी? 291 किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विद लार्जेस्ट एरिया दैट इज सिरसा। वह सिरसा, और ये कितना एरिया कवर करता है? 4277 स्क्वेयर किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा विद मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया वो है पंचकुला। पंचकुला एंड दैट कवर्स 390.70 स्क्वेयर किलोमीटर। देन मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? फरीदाबाद। फरीदाबाद। लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा।